भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य पंडित और आज हम आपको टेंडर के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जब टेंडर का आप कोई भी टेंडर खोलते हैं तो उसमें टेंडर का डिटेल्स क्या क्या रहता है, आपको उसमें क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, जैसे कि टेंडर का ऑर्गेनाइजेशन चेन क्या होता है, टेंडर का रेफरेंस नंबर कहाँ मिलेगा, टेंडर आईडी क्या रहता है, टेंडर टाइप क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, टेंडर कैटेगरी क्या क्या रहता है, नंबर ऑफ कवर्स कितने हो सकते हैं, क्या क्या होता है, टेंडर का उस टेंडर का पेमेंट मोड क्या है, और वो टेंडर में जो कवर्स है टेक्निकल या फाइनेंस है जितने भी कवर्स है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करना है, किस किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, उस टेंडर के टेंडर का फीस कितना है, ईएमडी कितना है, ईएमडी में एग्जम्पशन है कि नहीं है, ईएमडी का पेमेंट कैसा करना है, वो टेंडर किसके रिगार्डिंग है, टेंडर का वैल्यू क्या है, और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम आपको बताने, टेंडर का डॉक्यूमेंट्स आप कैसे डाउनलोड करेंगे और टेंडर के डॉक्यूमेंट जब डाउनलोड करेंगे उसमें टेंडर के डॉक्यूमेंट्स इजीली कैसे आपको मिलेगा, जिसमें टेंडर को आपको भरने के लिए टेक्निकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, फाइनेंस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये सब के रिगार्डिंग हम आपको आज बताने वाले हैं। तो देखिए, मैंने महा टेंडर का साइट खोला है, यहाँ पे होम पे जाता हूँ, सबसे पहला कोई भी टेंडर लेता हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ सब डिविजन का है, एक टेंडर ले लिया। टेंडर सर्च के बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, टेंडर प्रॉपर वे से कैसे सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया सबसे पहला आता है टेंडर डिटेल्स, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चेन है, मतलब इससे ये पता चलता है ये टेंडर कहाँ का है, तो पब्लिक वर्क रीजन मतलब पीडब्ल्यूडी का है, पब्लिक वर्क रीजन नासिक का है, मतलब नासिक के अंडर में आता है, पब्लिक वर्क सर्कल धुले के अंडर में है वर्क सर्कल में, और डिवीजन नंदुरबार का है, तो मुझे ये पता चलता है इन शॉर्ट ये नंदुरबार का पीडब्ल्यूडी का टेंडर है। ये टेंडर के ऊपर में नोटिस है, रेफरेंस नंबर है, जहां से रेफरेंस नंबर आपको मुझे पता चलता है, टेंडर का आईडी देखिए लिखा हुआ है 2019 PWDR 496426_1, डेट मीन्स ये 2019 का टेंडर है, पीडब्ल्यूडी का कोड है, तो आपको हर टेंडर में PWDR मिलेगा, टेंडर आईडी 496426 ये टेंडर का नंबर है, और _1 दैट मीन्स इस टेंडर में जितने भी टेंडर है, इस टेंडर नोटिस में कभी कभी टेंडर नोटिस में बहुत सारे टेंडर होते हैं, इस टेंडर नोटिस में ये पहला टेंडर है, सिंगल टेंडर है, या फिर 2, 3, 4 ऐसा हुआ तो आपको ये पता चलता है इस टेंडर नोटिस में और भी बहुत सारे टेंडर्स हैं, तो नोटिस का यदि 2 नंबर होगा तो उस टेंडर नोटिस का वह दूसरा टेंडर है, इस टाइप में इसके इंफॉर्मेशन पता चलता है। टेंडर टाइप ओपन है, यहाँ पे 2 टाइप के टेंडर्स होते हैं, ओपन और लिमिटेड। ओपन टेंडर जहाँ पे कोई भी आप यदि उस टेंडर में एलिजिबल हो बैठते हैं तो आप वो टेंडर भर सकते हैं, और लिमिटेड टेंडर जिसको पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इन्वाइट करती है वही लोग आप वो लिमिटेड टेंडर भर सकते हैं। यहाँ पे आप एलिजिबल लिमिटेड टेंडर में आप एलिजिबल होके भी वो टेंडर आप नहीं भर सकते। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है ये, मतलब अभी तक सबसे ज्यादा टेंडर परसेंटेज रेट में कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है, इसके BOQ दिखाता हूँ परसेंटेज रेट का, आपको इसी टेंडर का डाउनलोड करके तो आपको परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और क्लियर हो जाएगा। टेंडर कैटेगरी वर्क्स में है, मतलब ये काम का टेंडर है। नंबर ऑफ कवर्स मतलब इनवेलप इसको कितने हैं, तो 2 है, मतलब एक टेक्निकल होगा और एक फाइनेंस होगा, मैक्सिमम 4 इनवेलप हो सकते हैं। इसका पेमेंट मोड सभी ऑनलाइन है, और जो कवर्स है इसमें जो 2 कवर्स है तो इसके बारे में देखो डिटेल्स दिखाओ, जैसे मैंने बोला था 4 कवर, तो 4 कवर यदि हुआ तो ऐसा रहता है टेंडर फीस प्री क्वालिफिकेशन और टेक्निकल, ऐसे 3 कवर होंगे और फाइनेंस अपना अलग रहेगा, ऐसे मैक्सिमम 4 कवर हो सकते हैं। तो आपको जो 3 कवर्स के बारे में बताया गया, 3 कवर को एक करके मर्ज कर दिया गया और 2 कवर में कन्वर्ट हो गया। टेक्निकल कवर्स में आपको क्या क्या देना है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है GST का जो PDF फॉर्मेट में, टेंडर फीस और EMD का रिसिप्ट होगा जो भी PDF के फॉर्मेट में है, आपको वहां पे फॉर्मेट भी लिखा है तो आपको बताना पड़ेगा। फॉर्म 1 to 5 एक फॉर्म होता है, 1 to 5 होता है, जो सिमिलर वर्क डन, वर्क इन हैंड, ये सबके सिमिलर वर्क डन होते हैं वो सबको PDF में डालना है, साथ में बिल्ड कैपेसिटी भी उसके साथ अटैच करना है PDF में। मशीनरी का एफिडेविट, यदि आपके पास मशीनरी खुद का नहीं है रेंटेड है तो आपको उसका एफिडेविट देना पड़ेगा। अदर डॉक्यूमेंट्स वो भी आपका PDF में रहेगा, यदि वो टेंडर छोड़ के और जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला है वो PDF में रहेगा। अदर डॉक्यूमेंट्स आपको देखने के लिए पता चलेगा, जो हम टेंडर अभी जब खोलेंगे तो आप उसमें पता चलेगा जो डॉक्यूमेंट्स और ये सब डॉक्यूमेंट छोड़ के क्या क्या है उसके बारे में हमें टेंडर्स में लिखा रहता है, तो मैं आपको टेंडर्स आपको दिखाता हूँ पढ़ के।
यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या, दूसरा साइन टेंडर है, उसके बाद साइन टेंडर मतलब जो भी टेंडर्स आप डाउनलोड करेंगे उसी कॉपी को साइंड करके आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, तो इसको डिजिटली साइंड करके बोलते हैं। तो कैसे डिजिटली साइन करना है कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास पीडीएफ साइनर का एक वीडियो है मेरे ही चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको दे दूंगा। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू से आप डिजिटली साइन कर सकते हैं। और फाइनेंस में सिर्फ बीओक्यू बोला है, तो बीओक्यू जो परसेंटेज रेट का बीओक्यू वो एक्सेल में डाला हुआ है और उसको मुझे एक्सेल में ही अपलोड करना है। और उसके बाद आता है अपना टेंडर फीस, तो इस टेंडर को यदि आपको भरना है तो टेंडर फीस 1120 है, ईएमडी वो 111,000 है। एग्जम्पशन ईएमडी में है क्या, तो इसको ईएमडी का एग्जम्पशन इसको नहीं है, दैट मीन्स ये टेंडर भरने के लिए आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होने दो। यदि यहाँ पे यस रहा तो आपको 111,000 जो ईएमडी अमाउंट था वो आपको भरना नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे टेंडर्स होते हैं खासतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का टेंडर, वहाँ पे मैक्सिमम टेंडर में यहाँ पे यस रहता है, तो ये टेंडर आपको उस टाइम पे आपको आपको यदि अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर को ये टेंडर भरना होता था और यहाँ यस रहता था तो सिर्फ उसको पेमेंट 1120 ही करना पड़ता था, ये 111,000 ये जो है आपका ये आपको एग्जम्पशन मिलते थे। और ये कैसा है, फिक्स है ईएमडी और इसको आपको नेट बैंकिंग के थ्रू से ही पेमेंट करना है। ये आपके काम के डिस्क्रिप्शन है आगे वर्क टाइटल में, ये काम क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये टेंडर का वैल्यू है यहाँ पे, ये सिविल वर्क बिल्डिंग डिवीजन बिल्डिंग के अंडर में फोर्टेड कैटेगरी है, ये कैटेगरी टेंडर है, और ये बीड वैलिडिटी ये 75 डेज का है, मतलब आपको इनकेस टेंडर नहीं मिला तो जिस दिन से नहीं मिला तो जिस दिन से आप टेंडर का ओपनिंग है उससे 75 डेज के अंदर आपका जो ईएमडी का अमाउंट है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, और आपको जिस दिन वर्क ऑर्डर मिलेगा उस वर्क ऑर्डर के बाद 360 डेज के अंदर आपको ये काम को खत्म करना है। ये इसका पिन कोड, इसने इनवाइटिंग किया उसके बारे में, ये कब पब्लिशिंग हुआ था, बिड ओपनिंग कब होगा, सबमिशन डेट और सबमिशन का इन डेट। यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स है, एक टेंडर नोटिस है यहाँ पे टेंडर के बारे में सभी नोटिस में इन्फॉर्मेशन होगा, और दूसरा मेरा जीप फाइल है, ये जीप फाइल में ये दो डॉक्यूमेंट्स है टेंडर के डॉक्यूमेंट्स और बीओक्यू, ये मुझे डाउनलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट्स मुझे एक अपलोड करना है और बीओक्यू भी मैं चाहिए मुझे, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड एज जीप फाइल। इसके लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जी विंडार का, यदि आप नहीं है आपके पास तो मैं इसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। इसको डाउनलोड कर रहा हूं मैं, ये मेरा डाउनलोड होना चालू हो गया। सो इन फोल्डर ताकि टेंडर्स में प्रॉपर लोकेशन पर रख सकता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड में बहुत सारे टेंडर्स होंगे तो मैं कंफ्यूजन हो जाऊँ, इसके वजह से प्रॉपर लोकेशन पे रखता हूँ, डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ मैं। वर्क ये वाला टेंडर है, इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल ओके। एक्सट्रैक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें बीओक्यू नहीं तो मुझे भरने में प्रॉब्लम होगा, बीओक्यू में एरर्स आएंगे यदि आपने एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो। ये बीओक्यू है जो फाइनेंस में जाएगा और ये टेक्निकल का डॉक्यूमेंट्स है। देखिए टेंडर मेरा खुल गया, मुझे इजीली अभी यह टेंडर टोटल मेरा 145 पेज का है, तो मुझे इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कहाँ आए मुझे सर्च करने में तकलीफ होगा, इसलिए मैं इजीली कंट्रोल ऐप करता हूँ और यहाँ पे डाल देंगे सबसे पहला टेक्निकल, नहीं तो इनवेलप पहला करते हैं, सबसे इजी सर्च करने के लिए इनवेलप डाल देंगे। देखिए पहला आ गया इनवेलप, ये नहीं है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, देखिए यहाँ पे आ गया इनवेलप नंबर 1 के डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट, तो मुझे यहाँ से इजीली पता चल जाएगा इस टेंडर को भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या क्या है।
तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिख रहा है, सबसे पहला ईएमडी पेंट का है, तो ईएमडी के लिए ऑलरेडी मेरे पास पीडीएफ में डाला हुआ था उसने, स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मुझे जो भी क्लास का है उसके बारे में डालना है, जीएसटी का इसको भी मुझे पीडीएफ बनाना है, ऑलरेडी टेंडर में मिला हुआ था, इन्फॉर्मेशन था मेरे पास, ये सभी फॉर्म्स है लिस्ट ऑफ मशीनरी के, तो लिस्ट ऑफ मशीनरी का भी दिया हुआ था, डिटेल्स ऑफ ड्यूरिंग कैरिड आउट इंटीरियर बैकवर्ड हिली एरिया प्रोसेस लास्ट 3 इयर्स, ये भी जो हमारा वर्क इन हैंड है उसके बारे में है, सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, ये सब फॉर्म के नंबर्स के टेंडर्स है, 1, 2, 3, 4, 5 जो बता रहा था वो सब इस फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, पार्टनरशिप यदि आपका कंपनी पार्टनर है तो पार्टनरशिप डीड एफिडेविट देना पड़ेगा 500 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे, और ये आपका बीड कैपेसिटी सिमिलर टाइप ऑफ वर्क का, जनरल एक्सपीरियंस के लिए इसके डॉक्यूमेंट्स जो आपको इतने आपने एम क्यूब किया हुआ है, ये बीड कैपेसिटी का है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स का आपके पास खुद का मशीनरी होना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके टेक्निकल स्टाफ का डिटेल्स है, ये सब टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास इस टेंडर को लेने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दूसरा एनवेलप 2 में सिर्फ आपका ऑलरेडी BOQ है तो BOQ ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, और बाकी यहाँ पे बाकी की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एनरेस्ट मनी डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है। दूसरा मेरा BOQ है, तो देखिए परसेंटेज रेट BOQ कैसा रहता है और उसको कैसे भरते हैं, ऑप्शन में जाइए, एनुअल कंटेंट, ओके, ऐसे ही मेरा BOQ खुल जाएगा, यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन जो भी है, तो मेरा भगत टेक्नो IT सॉल्यूशन पे है, भगत टेक्नो IT सॉल्यूशन, ये परसेंटेज रेट का BOQ कैसा रहता है देखेंगे आप, यहाँ पे पता चलेगा आपको, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे प्लस और माइनस, आपको बिलो में लेना है या अबव, मुझे बिलो में लेना है, कितना परसेंट, 3.4% बिलो, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करता है 3.4% बिलो में आपका ये अमाउंट आ गया। दस में ये टेंडर आपका 1,10,000 का था, मैंने 10,69,000 का, सॉरी 1 CR का था, 1.11 CR का था, 1.06 CR में हम लोग ये टेंडर्स को कोट कर रहे हैं, तो आपको यदि काम करना है, यदि आपने 3.4% बिलो गया तो आपको ये रेट में काम करना, तो ये परसेंटेज रेट सिर्फ परसेंटेज डाल रहे हैं बिलो या लेस में, इसके वजह से हम परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये आपके टेंडर्स के एक इन्फॉर्मेशन थे, जहाँ से आपको टेंडर में देखना क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।